तुम हद से गुजर रहे हो और अपने साथ रूपा और राजा को भी बिगाड़ रहे हो। मैंने पहले कभी ऐसा किया है? मैंने तुम्हें कभी ऐसा मौका दिया है? दुनिया की कौन सी चीज है जो तुमने मांगी है और तुम्हें नहीं मिली? मुझे टूर पर जाने के लिए पैसे मिले हैं, मुझे फ्रॉक मिला है, मुझे साइकिल मिली है दबियों वाली। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। तुम्हारा मतलब है यहाँ अंधेर गर्दी मची हुई है। मैं तुम्हें जनता लोरा नहीं जाने देता, लेकिन खुद हर साल कुल्लू और कश्मीर की सैर करता हूँ। तुम्हारी माँ रूपा को ड्रामे के लिए नया फ्रॉक खरीद कर नहीं देती, लेकिन अपने लिए हर हफ्ते रेशम और जरी की साड़ियां खरीदती है। हम दोनों सांप की तरह धन दौलत पर फन फैलाए बैठे हैं और तुम्हारे हाथ पर एक कौड़ी नहीं रखते। तुम यही कहना चाहते हो? मैं इतना जानता हूँ डैडी, मुरली के बाप को आपसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है। आपके तीन बच्चे हैं, उसके पांच, फिर भी पांचों को जितना मिलता है हमें उसका आधा भी नहीं मिलता। आप उनके घर जाके देख सकते हैं मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। तो तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच तो इतना है डैडी, पैसे आपके पास हैं और पैसे आप खर्चना नहीं चाहते। आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन सच्चाई का गला नहीं घोट सकते। तुम्हारी ये हिम्मत अपने डैडी के सामने मुंह खोला है, क्या यही सिखाया तुमने स्कूल में? बोला ये क्या, छोटे ने जबान चलाई, बड़े ने हाथ चला दिया, दोनों में फर्क क्या रहा?